गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे सवेरे के 6:30। वैसे सूरज अभी अभी आया हुआ है यहीं पे, बहुत दिनों के बाद आज उगता हुआ सूरज देख रहा हूँ। आप भी सोच रहे हो कहाँ जा रहा हूँ। तो आज है उगाड़ी, अ न्यू ईयर फॉर कर्नाटका। तो है एक लंबा सा वीकेंड, तो हम निकल पड़े हैं एक सफ़र पे। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल लाइफ टेल्स। मैं हूं शुभांकर और आप देखें। तो हम निकले थे घर से मोटा मोटा रात के 3 बजे और अभी 7:45 हो चुका है। तो हम ढूंढ रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि सभी को अभी थोड़ा बहुत भूख लगने लगा है। तो हम यहाँ पे रुक गए थे। फिलहाल हम पहुँचे हैं समवेयर क्लोज टू चित्रदुर्गा। तो यहाँ पे चारों तरफ विंड मिल्स हैं यहाँ पे पहाड़ पे, और उगता हुआ सूरज के साथ जो नज़ारा था वो काफ़ी ही प्यारा था। तो हमने सोचा कि रुका के एक बार फोटो ले लिया जाए। और हाँ, सबसे स्पेशल मैं आपको तो मिलाना ही भूल गया हूँ। तो चलो, ये ट्रक्स ना बहुत आवाज़ कर रहे यार, शांति से बात भी नहीं करने देते। तो आज हम ट्रैवल कर रहे हैं हमारे ऐरावत के साथ। ऐरावत आई मीन ये हाथी। तो पहले आपने देखा था जो हमारी पुरानी गाड़ी थी, उसको हमने सेल ऑफ कर दिया और हम आए हैं आज हमारे ऐरावत के साथ पहले ट्रिप पे। बैंगलोर टू गोकर्ण का जो रास्ता है वो काफ़ी ही खूबसूरत है। पूरे रास्ते में फूलों का बगीचा जैसा लगा हुआ है और जो सीनिक ब्यूटी है वो भी काफ़ी लाजवाब था। तो फिलहाल तो खाना ढूंढते ढूंढते हम आ पहुँचे एक छोटे से टपरी पे, क्योंकि अभी भी खोलने का टाइम हुआ नहीं था। तो हमने ले लिए इडली और सब खाने बैठ चुके हैं और ये रहा गाड़ी। तो बैंगलोर से गोकर्ण का रास्ता मोटा मोटा 500 किलोमीटर है और रास्ता काफ़ी सुंदर था और रास्ते का कंडीशन भी काफ़ी सही था। बट अभी हम ऑलमोस्ट हमारे रस्ते तक आ पहुँचे हैं। तो यहाँ पे गली जो है काफ़ी नैरो है, तो गाड़ी काफ़ी देख संभाल के धीरे धीरे निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी भी गाड़ी काफ़ी नई है। तो अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं रास्ता उतना ही छोटा होते जा रहा है। तो फिलहाल हम गोकर्णा के मेन स्ट्रीट या शॉपिंग स्ट्रीट से होते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे छोटे मोटे दुकान हैं जहाँ से आप बहुत सारे सोविनियर्स वगैरह वगैरह खरीद सकते हो। और ये आ गए हम बीच तक और GPS मुझे दिखा रहा है यहाँ से राइट। तो फिलहाल लेंगे हम राइट और जाएंगे हमारे स्टे की तरफ, बट रास्ता और छोटा हो चुका है। सो दिस इज नॉट इवन रास्ता, दिस इज लाइक गली। तो गली में घुस चुके हैं, तो चलो देखते हैं कहाँ पे लोकेशन एंड होता है। तो हम आके फाइनली पहुँच गए हमारे आज के डेस्टिनेशन, दैट इज गोकर्ण। तो अभी बज रहे थे दोपहर के ऑलमोस्ट 12:30 और हम पहुंच गए। तो फिलहाल बीच से हमारा स्टे है तकरीबन कुछ 200 किलोमीटर बोल रहा था। हमारी गाड़ी पार्क्ड है यहाँ पे। तो चलो फिलहाल दिखाते हैं आपको हमारा आज का स्टे और तानिया भी कहाँ कहाँ से ये अजीबोगरीब स्टे ढूंढ के निकालती है। तो चलो एडवेंचर को करते हैं शुरू और आपको दिखाते हैं हमारा आज का स्टे। यहाँ पे रास्ते काफ़ी पतले हैं, बट फिर भी भैया ने बोला हम यहाँ पे गाड़ी लगा सकते हैं। यहाँ पे CCTV वगैरह है, ओपन है बट CCTV है। बट सबसे मज़ेदार चीज़ हमारे स्टे के लिए एंट्रेंस है आज ये, बट उम्मीद मत छोड़ो, नज़ारा काफ़ी सही है। चलो दिखाते हैं। तो कुछ इस तरीके से फूलों के नीचे से होते हुए हम जा रहे हैं हमारे स्टे की तरफ। गोकर्ण में मैंने जो देखा, ज़्यादातर स्टेज के वो एक्सेस करने के लिए आपको डायरेक्ट कोई भी जगह है नहीं, अनटिल एंड अनलेस दैट इज़ टू प्रोमिनेंट अ प्लेस। बट जो ये हमने स्टे लिया है, इट्स मोर लाइक अ कॉटेज जो कि बीच फ्रंट पे है, तो वो चीज़ के लिए इतना तो कॉम्प्रोमाइज़ बनता ही है। स्टे तक पहुंचने के लिए हमें मोटा मोटा 300 मीटर तक की पैदल सफ़र करना पड़ेगा। ये स्टे काफ़ी तानिया पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के निकालती है, जो कि काफ़ी यूनिक स्टे है। मज़ा तो काफ़ी आ रहा है,
बट इतना ड्राइव करने के बाद ये पैदल 200 मीटर चलना भी काफ़ी तकलीफदायक होता है। आप देख ही पा रहे हो मेरे पीछे पूरा गांव जैसा माहौल है। यहाँ पे बीच के पास लोगों ने फार्मिंग किया हुआ है, भिंडी और एशगार्ड जो कि लौकी है वो सब लगे हुए हैं, तो काफ़ी गर्मी है क्योंकि इट्स अ कोस्टल एरिया, 34-35 डिग्री टेम्परेचर है। तो चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं आज का स्टे। बीच में फार्मिंग इस तरीके से मैंने पहली बार देखा। आई डोंट नो इफ आर स्टे प्रमोट्स फार्म टू टेबल। हर जगह यहाँ पे एज गार्ड्स लगे हुए हैं जो कि है लौकी, बट ठीक है चलो चलते हैं। ये है हमारा तीसरा चेक गेट और इस चेक गेट से पार करने के लिए मैं जाता हूँ फर्स्ट, क्योंकि मैं हूँ मोटा इसके हिसाब से, बट किसी भी तरीके से मैनेज कर लिया है। अभी और एक ऑब्स्टिकल पार करना है हमें, तो जा रहे हैं उसी की तरफ। मैं बस देख रहा हूँ कि कहीं मिस ना कर जाऊँ, शायद मैंने मिस कर दिया, पीछे की तरफ है। तो स्टे के जो रिसेप्शन है उन्होंने हमारा लगेज उनके साथ ही ले गए हमारे रूम तक, तो हम फिलहाल जा रहे हैं। हम आए हैं आज वैसे हमारे दोस्तों के साथ, मेरी कॉलेज के दोस्त रीमा और रूंटी एंड पाही के साथ। तो वो लोग आगे आगे पहुंच चुके हैं, तो मैं फाइनल गाड़ी को सिक्योर तरीके से चेक करके दोबारा या पीछे पीछे उनके मैं जा रहा हूँ। तो चलो चले। वैसे दूर से देखोगे तो लगेगा कि ये क्या ही प्रॉपर्टी है और मैंने इसको क्यों ही चूज़ किया है। काफ़ी सिंपल सा ही है, बट इन जगहों पे आपको वैसे ही रॉ रहने में मज़ा आता है। ज़्यादा कुछ नहीं विद बेसिक एमिनिटीज़। आप जब यहाँ पे रुकोगे, वैसे आज गर्मी बहुत है बट यहाँ पे एसी वगैरह कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है इस कंपाउंड की एंट्रेंस जो अपने आप में ही ये देख पा रहे हो कि मैं अटक गया हूँ। चलो दिखाते हैं। तो ऐसे ही अंदर घुसोगे, यहाँ पे डॉग भाई साहब हैं। तो ये है हमारा स्टे द गोकर्णा स्टॉप्स, जो कि एक बैकपैकर स्टे है। जैसे आप घुसोगे एक यहाँ पे शैक है, यहाँ पे आपको ये स्विंग मिल जाएगा, शाम को आप यहाँ पे बैठ सकते हो, चाहो तो यहाँ पे बैठ के अपने स्नैक्स एंजॉय कर सकते हो। म्यूज़िक का फुल व्यवस्था है, यहाँ पे स्पीकर लगे हुए हैं। आप चाहो तो सस्ते में रुकना है तो टेंट ले सकते हो, और उससे थोड़ा बेहतर रहना है तो आप इन कॉटेजेस पे रह सकते हो। सो दिस इज़ अ डिसेंट स्टे। ये हमें आया तकरीबन 2,500 रुपये पर नाइट, विच इज़ डिसेंट इनफ। एसी वगैरह कुछ नहीं है बट ठीक है चलता है। तो फिलहाल फ्रेश हो चुके हैं और लंच वगैरह भी कर चुके हैं। फिलहाल तानिया और दोस्त गए हैं बीच पे ताकि थोड़ा पानी में जा सके, उनको काफ़ी मन था बट मुझे अभी मन नहीं है क्योंकि ह्यूमिडिटी और गर्मी सह पाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल वाली बात है। तो मैं भी जाऊंगा, मैं बस इंतज़ार कर रहा हूं ये सूरज देवता थोड़ा ढल जाए, बट फिलहाल के लिए मैं डालता हूँ। आप एंजॉय कीजिए टाइम लैप्स और मैं शूट करता हूँ आपके लिए मज़ेदार नज़ारे। तो अभी बज रहे शाम के 7:30-8 के तकरीबन, और हर कोई यहीं पे बैठा हुआ है, मस्त चाय समोसा जो भी जिसको जो खाना है लेके बैठा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी शांति वाला माहौल है, काफ़ी सुंदर सा हवा चल रहा है, तो काफ़ी सही है। अभी बीच पे हम जाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो वहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे शैक्स हैं, तो उनमें से एक पे अभी हम जाएंगे थोड़ा चाय पानी पीने। तो यहाँ पे काफ़ी सारे शैक्स हैं, ये सब शैक्स हैं और हम बीच से होते हुए जा रहे हैं।
ये सभी शैक्स स्टे भी है, आप यहाँ पे चाहो तो आके रुक भी सकते हो। हर किसी का कॉटेज टेंट वगैरह सब कुछ है, तो हम अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन से वाले पे अपन जाएंगे। कुंडा जब हम लोग तो मुझे इससे ज़्यादा अच्छा मुझे वो लगा सनसेट कैफे भी अच्छा लगा, उसमें कोई ब्रेकफास्ट करने आ जाए। ओके तो फिलहाल हम जा रहे हैं ओम डीएस कैफे, उसका एम्बियंस काफ़ी सही लग रहा है, तो चलो जाते हैं। तो फिलहाल हम आए हैं इस कैफ़े में जिसका नाम है सीएस्टा बीच कैफ़े। काफ़ी मस्त इसका एम्बियंस है, हम भी बैठे हुए हैं, एक राउंड खाना पीना तो हो चुका और मज़ा भी आ रहा है, गाना भी काफ़ी सही बज रहा है, सब अपन यहाँ पे बैठे हैं। तो फिलहाल मेरा सेकंड राउंड ऑफ कोल्ड कॉफ़ी आने वाला है। तो फिलहाल बज रहा है रात के 11:30, डिनर करके हो चुका है और हम अभी रिटर्न जा रहे हैं हमारे स्टे की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा रहेगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।